तो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, मेरे को थोड़ी कोफ्त है इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ, और कंपनी का नाम ना लेते हुए बताऊंगा कि क्या दिक्कत है मुझे इन प्रोडक्ट के साथ। तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्या एक काम करते हैं या नहीं करते? अब देखो, आपको पता है कि रिसर्च बहुत सारी करता हूँ, तो मैंने काफ़ी सारी ऐसी जो आयुर्वेद से रिलेटेड बुक्स थी उनको पढ़ा, उनको समझा, और मैं खुद गया आश्रमों में जहाँ पर इसकी पढ़ाई की जाती है। तो काम करते हैं या नहीं करते, तो आंसर है काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट है, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, कंपनी का नाम अगेन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो इनकी प्राइस है वो 10 गुना या 8 गुना ज़्यादा है नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। अब इस प्रोडक्ट को लें तो ये लगभग 1300 रुपये का है, डिस्काउंट में लगभग 1000 का मिल जाएगा। इसके अंदर है गोक्षुरा, सफ़ेद मूसली और कौच के बीज, जो अगर मिक्स करते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है मेल्स की, यानी कि ओवरऑल हेल्थ के लिए, टेस्ट प्रोडक्शन के लिए, मतलब आपके अंदर मर्दाना ताकत लाने के लिए काफ़ी काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन कैच क्या है यहाँ पे? कैच ये है कि अगर मैं बात करूँ बहुत ही हाई क्वालिटी जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ये अश्वगंधा चूर्ण, ये आपको लगभग लगभग 75 रुपये का मिलेगा, और ये गोक्षुरा चूर्ण जो आपको 50 रुपये का मिलेगा, और ये है शांति कुंज से बने हुए, शांति कुंज एक आश्रम है आपका हरिद्वार के पास, और वो खुद अपनी फार्मिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट जो है ये आपको 150-200 रुपये में मिल रहा है, और ये आपको लगभग लगभग 1 महीना आपका पूरा निकाल रहा है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये प्रोडक्ट बोलते हैं कि हम लोग एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, हम लोग टैबलेट की फॉर्म में आपको देते हैं, तो आपको अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन जो चूर्ण होते हैं वो कई सालों से उनका भी इस्तेमाल हो रहा है, और वो बहुत अच्छा उनका भी इफेक्ट आता है। तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। अगर आपको हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, आपको पता है कहाँ से खरीदना है। इनका जैसे अगर आप शार्क टैंक को देखते हैं, तो इनकी मार्केटिंग कॉस्ट जो होती है वो इतनी हाई होती है, इनको अपने प्रोडक्ट को अमेजोन में ऊपर लाना होता है, गूगल की रैंकिंग में ऊपर लाना होता है, तो 50-60% इनकी जो कॉस्टिंग होती है मार्केटिंग के अंदर निकल जाती है, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देना पड़ता है, तो इस वजह से आपकी जेब से इनकी मार्केटिंग का बजट निकाला जाता है। बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट बुरा है, लेकिन अगर वैल्यू फॉर मनी में अगर ये सही दामों में आप तक पहुँचे तो ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। और इन जनरल अगर आप पूछते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है, आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स को और यूज़ करते हैं, तो इनका बेस्ट यूज़ करने का तरीका है कि आप इसको सोने से पहले या सुबह उठने के बाद दूध के साथ और कुछ खाने के बाद इस्तेमाल करें। शहद और मिल्क दूध के साथ लेना ज़्यादा अच्छा माना जाता है आयुर्वेद के अंदर। तो ओवरऑल आप इस्तेमाल करिए, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन सोच के समझ के कहाँ से इस्तेमाल करना है, और शायद कुछ गुरु कुछ गुणी जनों की सलाह के बाद ही आप इनका इस्तेमाल करिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।